नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख अपने पिता के कदमों पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि 2019 में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रितेश अपने होम टाउन लातूर वाली सीट से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि रितेश का राजनीति से बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रितेश के लिए राजनीति का सफर आसान होगा या फिर मुश्किल भरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे साल 2016 में रितेश से जब राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि रितेश ने अपना इरादा बदल लिया है और राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। अगर रितेश के बॉलीवुड करियर की बात करें तो अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन की टोटल धमाल में वो काम कर रहे हैं। साथ ही अक्षय कुमार और बॉबी देओल की हाउसफुल 4 में भी वो नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि वो अपने पिता की विरासत को कैसे आगे ले जाते हैं और कैसे वो राजनीति के साथ साथ अपने फिल्मी करियर में संतुलन बनाएंगे। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।